गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में दोनों को यूनाइट करने का फॉर्मूला यूनिक होने के साथ साथ काफी जोशीला था। उसके कॉन्सेप्ट के पीछे की कहानी केंतारो की जीएफ से कैसे इनडायरेक्टली जुड़ी है, लेट्स फाइंड आउट। नॉट लूजिंग द ऑर्डर भूतकाल से चलते हुए वर्तमान पे आएंगे। 3 साल पहले यानी 2012 के आसपास की बात है जब मेरे को जॉब अपॉर्चुनिटी मिली थी इन सिएटल और ये पूरा काम साइबरनेटिक न्यूरो इंटरफेस यूनिट पे था। शी एक्सेप्ट्स, लेकिन उसको बस इतना बोला जाता है हमारा काम डिसेबल्ड लोगों को दोबारा फुल्ली एबल्ड करने का है। कोरा अपनी कंडीशंस रखती है पर एट द निक ऑफ द पॉइंट बॉस अपना पासा पलट देती है। अब कोरा प्रोग्रामिंग से कंपनी के हाइडआउट्स ढूंढकर जाके देखती है, गेस व्हाट, चिंपैंजीज और अदर लिविंग बीइंग्स पे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। एक्सपेरिमेंट ये था कि लिविंग बीइंग की चेतना मशीन्स या साइबॉर्ग में भेज दी जाए। सो पहले चिंपैंजीज पे हो रहा था, फिर ह्यूमन ट्रायल्स, लेकिन कोरा राइट टाइम पे सब कुछ वाइप आउट कर देती है। कोरा ने फेक नेम में क्यों चूज किया उसका लॉजिक मुझे यहाँ मिला। When she was barging in, उसके डायरेक्टरी पाथ में नाम था मे। सो जापान में भी उसका नाम है मे, एंड इवेंट के 2 साल पहले वो मिली केंतारो से इन जापान। हेडिंग टू द प्रेजेंट, अप्लाइड एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजीज यानी AET के लोग कोरा को उठा लेते हैं और टिम एंड टीम का दिवाला निकल जाता है ऑन द स्पॉट और केंतारो के टोटली कंफ्यूज हो चुके हैं। टिम एंड वर्डुगो का डिस्कशन मे को हेल्प करने पे खत्म होता है विद हेल्पिंग रैंडा किड्स। वन मोर थिंग, मोनार्क को पहले से ही मालूम था हु इज कोरा। वही टिम उनके फादर हिरोशी के बारे में बताते हैं, लाइक हाउ प्राइवेट ही वॉज, हाउ साइलेंट ही वॉज, हाउ ही इज ट्राइंग टू प्रिवेंट जी डे। इन सब के बाद केंतारो केट को पता चलता है शी इज कोरा। फिर उसके घर जाते हैं जहाँ जानने को मिलता है शी इज कॉलर और 2 साल से ज्यादा वो घर नहीं आई है। फिर उसकी बहन बोलती है पूरी बात। बस AET हेडक्वार्टर्स में भी कोरा से उसकी एक्स बॉस डील करती है इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द टाइटंस फॉर हर फ्रीडम, बट शी डिनाइज। फॉल्स जीडे अलर्ट से कोरा को बचाने का रास्ता मिल तो जाता है लेकिन शी इज नॉट फ्री एट। देन वर्डुगो यहाँ अपना दबदबा दिखाते हुए उसे छुड़ा लेती है एंड कोरा यूनाइट्स विद हर फैमिली अगेन एंड जॉइंस द एडवेंचर अगेन। टिम एंड वर्डुगो एक बड़ा स्टेप लेते हुए मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिकली रिवील कर देते हैं, विच मीन्स मोनार्क का अगला सीजन भी आएगा और गॉडजिला एक्स कॉन्ग में भी इसका मेजर रोल होगा। मिशेल एंड लीश और मोनार्क आउटपोस्ट 88 पे कब्जा कर चुके थे ताकि अपने हिसाब से टाइटन स्टेप को हैंडल कर सके, पर एजेंट बांस इन्फॉर्म्ड वर्डुगो तब तक पूरा काम हो चुका था। एक्चुअली लीशो का प्लान था कि सारे हॉलो अर्थ पोर्टल्स को डिस्ट्रॉय करके टाइटन्स का रास्ता बंद कर दिया जाए जिससे गामा रेस एमिशन भी बंद हो जाएगा और गॉडजिला भी लंबे समय तक सो पाएगा जिससे ह्यूमन टेरिटरी पे उतना खतरा नहीं होगा। एट द एंड ऑफ दिस एपिसोड हमें मिस्टर साइमंस के प्लान से हिंट दिया जाता है कि आगे क्या हो सकता है और वो ऑलरेडी हम गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में देख चुके हैं। कोरा वॉल्टर साइमंस के बैकअप के बारे में बोलती है, दैट मीन्स सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। फाइनली अप्लाइड एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजीज बन जाता है एपेक्स साइबरनेटिक्स एंड आई रियली लाइक दिस कनेक्शन। यहाँ एक और यूनिवर्स खड़ा होता नजर आ रहा है पर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये एपिसोड लॉजिकली मुझे बहुत एंटरटेन्ड एंड जोड़ कर रखता है और मैं AKA कोरा की स्टोरी लाइन को भी एक अच्छा सा जस्टिस देता है। मिलते हैं ऑन 29th ऑफ दिसंबर विद न्यू एपिसोड ऑफ मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स। लाल डब्बे को गायब कर देना, बस एक उंगली का ही तो काम है। आई एम कॉमसिस्ट, विल मीट यू सून, स्टे ट्यून्ड।